जैसे नेक्स्ट चैप्टर है हमारा रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम, इसमें हम किस तरीके से प्रॉब्लम देखेंगे कि जैसे भी हम कोई बाइक परचेज करते हैं या कार परचेज करते हैं तो हम किस तरीके से, तो हमारे टोटल जो उसमें हमारे खर्चा होता है कि हम किसी भी कार को मेंटेनेंस करने के लिए या बाइक को मेंटेनेंस करने के लिए हमारे डे बाई ईयर हमारा खर्चा बढ़ता चला जाता है उसका मेंटेनेंस, और उसकी कीमत घटती चली जाती है। तो हम इस प्रॉब्लम में ये चेक करेंगे कब हम उस बाइक या कार या कोई भी हमारी मशीन है उसको कब, वो कौन सा करेक्ट टाइम होगा जब हम उसे सेल कर दें, कि जब हमारा वो टाइम हम कब देखेंगे जब हमारा जो उसका मेंटेनेंस है वो ज़्यादा होने लगेगा, उसकी कीमत से ज़्यादा उसका मेंटेनेंस हो जाएगा, तो वो टाइम हमारा क्वाइट नॉर्मल है क्या हो जाएगा उसका बेचने का। तो वहीं यहीं इस रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम में हम इसी तरीके की प्रॉब्लम का एनालाइज करते हैं कि जब भी हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट हमारी सेलिंग कॉस्ट से ज़्यादा हो जाए तो हम उस प्रोडक्ट को बेच दें, तो किस तरीके से हम उसका एनालाइज करें उसी प्रॉब्लम को क्या कहते हैं हम रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम। तो ये तो था इसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम एक इस तरीके की प्रॉब्लम देखेंगे जिसमें हमारा पर ईयरली जो हमारा उसकी रीसेल वैल्यू है किसी भी प्रोडक्ट की या फिर किसी बाइक की या कार की, वो हमारी पर ईयर फिक्स है कि हमारी 100 रुपये से नीचे नहीं जाएगी। कुछ प्रोडक्ट हमारे होते हैं रखे रखे, उनकी जो कॉस्ट है वो कम नहीं होती है। तो एक तो प्रॉब्लम हमारी इस टाइप की होगी जिसमें हमारा बता दिया जाएगा कि 150 रुपये 100 रुपये इसके प्रोडक्ट हमारे खरीदते ही कम हो जाएंगे, उसके अलावा वो जब भी हम उसे बेचेंगे तो वो उतने का रहेगा। एक दूसरी प्रॉब्लम हमारी क्या होगी, पर ईयर हमारी जैसे बाइक है या कार है उसकी पर ईयर हमारी वैल्यू घटती रहती है, तो उस तरीके की जो हमारी प्रोडक्ट है उसे हम किस टाइम पर सेल कर दें कि हमारा जो हमें जो नुकसान है वो कम से कम हो, कि हमारी जो बेस्ट टाइम हो उसे बेचने का। तो इस तरीके की प्रॉब्लम हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो ये तो था इसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम देंगे।